बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे। आज मैं लाई हूँ स्लीव्स के बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। ये बहुत इजी, सादा, सिंपल और बहुत ही मुनफरद डिज़ाइन है, जो ये आप ख़ुद भी अपने घर पर अप्लाई कर सकते हैं और अपने ड्रेस को खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये देखें, ये सारे डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत हैं। इसमें हम लोगों ने कट वगैरह के डिज़ाइन डाले हुए हैं, जुनेट वगैरह के डिज़ाइन डाले हुए हैं, और डोरी वगैरह के डिज़ाइन है, हैंडमेड डिज़ाइन है। हैंडमेड डिज़ाइन होते हैं जो जिसके कपड़े की डिज़ाइनिंग की जाती है कपड़े पे, और मुख्तलिफ़ किस्म की लेसेस का इस्तेमाल किया गया है, जो बाज़ारों में मुख्तलिफ़ किस्म की मिलती हैं। बहुत ही प्यारे डिज़ाइन बनते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन लगे उसके स्क्रीन शॉट लें और अपने ड्रेस पर बनवाएँ। इंशाल्लाह वो आपका ड्रेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसमें प्लेटें वगैरह का भी डिज़ाइन है, कपड़े की प्लेटें बना कर वो उसके डिज़ाइन बनाए गए हैं, और कपड़े की डोरी वगैरह का बनाकर उसके डिज़ाइन बनाए गए हैं, कट वगैरह के डिज़ाइन हैं, और फ्रिल वगैरह है की है। आप फ्रिल दो किस्म की लगा सकते हैं, एक सादा फ्रिल होती है और दूसरी होती है अम्ब्रेला कटिंग की तरह होती है फ्रिल, वो वाली। तो आप जिस तरह भी आपको पसंद आए आप वैसे बनवा सकती हैं और अपने ड्रेस को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हैं। और इसमें कफ वगैरह के भी डिज़ाइन हैं। ये समर विंटर हर तरह हर मौसम के कपड़े पर ये आप बनवा सकती हैं, जो आपके ड्रेस को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। इस वीडियो को देखें और फिर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है, ताकि हम आपके पसंद के मुताबिक आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर शेयर करते रहें। और इस वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसे फ़ायदा उठाएं।